जहां विश्व आदिवासी के दिवस पर भानु प्रतापपुर क्षेत्र में सर्व आदिवासी समाज ने धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया और भानु प्रतापपुर की मेन चौक जिसे सतराम शाह चौक कहा जाता है उसका नाम बदलकर कांकेर रियासत काली के राजा रहे महाधिराज भानु प्रताप देव के नाम से चौक का नामकरण किया गया। इस अवसर पर भानु प्रतापपुर ब्लॉक में राजा भानु प्रताप देव के वंशज और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर आदित्य प्रताप देव भानु प्रतापपुर नगर पहुंचे। मैं यहां पर सर्व आदिवासी समाज के निमंत्रण में महाराजाधिराज भानु प्रताप देव की प्रतिमा स्थल में पूजा अर्चना करने के लिए आज आया। विश्व आदिवासी दिवस के दिन में उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया क्योंकि वो सोचते हैं कि महाराजाधिराज भानु प्रताप देव का भानु प्रतापपुर अंचल यहाँ की जनमानस की के प्रगति में बहुत बड़ा हाथ है और उसी पुराने ऐतिहासिक संबंध को वापस याद करते हुए उसे और प्रगाढ़ करते हुए मैं आज आपके समक्ष उपलब्ध हुआ यहाँ पर ताकि उस रिश्ते को मैं भी एक तरीके से मानूं और आगे बढ़ाऊं। और मैंने देखा कि भानु प्रतापपुर में जो जनमानस है वो अभी भी कांकेर रियासत भानु प्रतापपुर अंचल के इतिहास संस्कृति धर्म की चेतना रखता है, इसको आगे बढ़ाने के उम्मीद में है। तो एक मेरा जो ये यहाँ आना है उसी के संबंध में एक पहल है और मैं सबका आभारी हूँ यहाँ पर कि मुझे इतना प्यार मिला। उन पुराने रिश्तों को याद करके हम सब ने फिर एक बार ये संकल्प लिया कि समाज की प्रगति के लिए हम कार्यरत हों। सर, बस्तर के आदिवासियों के बारे में क्या लगता है, उनका क्या होना चाहिए? यहाँ के आदिवासी तो कांकेर के आदिवासी हैं, बस्तर रियासत अलग थी, कांकेर रियासत अलग थी और आदिवासी समाज तो पूरे देश में ही एक है एक तरीके से, तो मैं बांटना नहीं चाहूँगा इसको। और मुझे लगता है कि आदिवासी समाज के उत्थान के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी हैं और ये प्रशासन से तो होगा ही होगा और हम लोग को भी आम नागरिक को भी मिलके ये इस चीज़ को सफल बनाना है।